मुरादाबाद में बुधवार को मुगलपुरा क्षेत्र के जीआईसी कॉलेज में मंडल के शिक्षकों ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। बताते चले, संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के शिक्षकों ने प्रदेशीय आवाहन पर प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व शिक्षक विधायक सुरेश त्रिपाठी की अध्यक्षता में धरना दिया गया तथा संयुक्त शिक्षा निदेशक के माध्यम से मुख्यमंत्री को 27 सूत्रीय मांगों को लेकर जैसे वर्ष 1981 से लेकर 2020 तक नियुक्त प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के 40,000 शिक्षकों एवं कर्मचारियों की नियुक्तियों की सतर्कता अधिष्ठान से जाँच कराए जाने का विरोध, पुरानी पेंशन बहाली तदर्थ शिक्षकों की सेवा बहाल करना, चयन बोर्ड अधिनियम की धारा 12, 18 व 21 की व्यवस्थाओं को यथावत माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 में समाहित किया जाना, वित्त विहीन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को समान कार्य के लिए वेतनमान प्रदान करना, राजकीय शिक्षकों की भांति सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा, 8वां वेतन आयोग का गठन करना, एनपीएस की कटौती को नियमित रूप से एनएसडीएल में जमा करना, 22 मार्च 2016 की अधीन व्यवस्था के अंतर्गत निर्मित हुए तदर्थ शिक्षकों को पुरानी पेंशन, प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में वर्ष 2001-2002 के विज्ञापन के आधार पर 2006 में नियुक्त विषय विशेषज्ञ को पुरानी पेंशन, वेतन महंगाई भत्ता, चयन पदोन्नति संबंधित अवशेषों का भुगतान, कंप्यूटर शिक्षक का पद सृजित करना, वर्ष 2014 से बंद सामूहिक बीमा को पुनः प्रारंभ करना, 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक की अवधि में विद्यालय का शिक्षण कार्य अवधि मानवीय आधार पर पूर्व की भांति 4 घंटे 35 मिनट किया जाना आदि से संबंधित ज्ञापन दिया गया। इस मौके पर प्रदेशीय मंत्री डॉक्टर जीपी सिंह, डॉक्टर सुनीत गिरी, प्रेम सिंह, रविंद्र कुमार शर्मा, मनोज रस्तोगी, मोहित सक्सेना, राजीव कुमार पाठक, पुष्पेश मिश्रा, विक्रम कुमार, अनुज कुमार वर्मा, गयूर आसिफ, विनोद कुमार, गुरुनाम सिंह, बालक राम, नर्देश्वर राव, डॉक्टर मधुबाला त्यागी, शशि आर्या, राखी रस्तोगी, मंजू वर्मा, ममता शर्मा, सलीम अहमद, नरेंद्र पाल सहित मंडल के सैकड़ों शिक्षक उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ, जिसके प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री सुरेश चंद्र त्रिपाठी जी हैं, और इस संगठन की एक प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक 1 सितंबर को लखनऊ में हुई थी, जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि सभी 17 मंडलों पर ये सरकार के विरुद्ध, जो सरकार शिक्षकों के प्रति उपेक्षात्मक रीति अपना रही है, उसके खिलाफ धरना दिया जाए। तो ये धरना निर्धारित तिथियां सभी मंडल की अलग अलग है, जहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष सुरेश चंद्र त्रिपाठी जी और महामंत्री श्री नरेंद्र कुमार वर्मा जी, पूर्व महामंत्री श्री इंद्रासन सिंह जी और शिक्षक दल के नेता विधायक माननीय ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी हर धरने पर मौजूद रहेंगे। कल ये धरना मेरठ और सहारनपुर में हुआ है, आज ये धरना मुरादाबाद में चल रहा है और आगरा में चल रहा है। अभी अभी सुरेश कुमार त्रिपाठी जी चल चुके हैं, जामा मस्जिद के आसपास है, वो भी पहुँचने वाले हैं। उनके साथ शिक्षक महासंघ के अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद शर्मा जी भी उपस्थित हैं और वो सभी लोग इस धरने को संबोधित करेंगे। हमारी जो मांग है, इस समय सरकार का एक तुगलकी फरमान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सन 1981 से 2020 तक जो भी नियुक्ति, चाहे वो धारा 18 के तहत प्रबंध तंत्र के द्वारा की गई, चाहे चयन बोर्ड के द्वारा की गई, चाहे प्रधानाचार्यों के द्वारा चतुर्थ वर्ग श्रेणी कर्मचारी रखे गए या शिक्षणेतर कर्मचारी रखे गए, उन सभी की जांच सतर्कता विभाग करेगा, यानी विजिलेंस करेगी। इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं कि जिसकी किसी की शिकायत है, जो कोई भी शिक्षक या कर्मचारी इसमें लिप्त है या गलत तरीके से नौकरी कर रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो, अन्य शिक्षकों को ना परेशान किया जाए। ये तो केवल ये वाली बात हुई कि एक के नाम की केवल वो निकली, शिकायत हुई, अब हम सभी शिक्षकों को परेशान कर रहे हैं। शिक्षकों के प्रति विजिलेंस की जाँच करने का संगठन पुरजोर विरोध करता है और इससे प्रमुख सचिव को भी अवगत करा दिया गया। दूसरी मांग हमारी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर चल रही है। शिक्षकों में एनपीएस के विरुद्ध काफ़ी आक्रोश है और वो इस व्यवस्था को पूरी तरह नकार भी चुके हैं। अगर इतनी ही अच्छी ये व्यवस्था है तो ये जितने भी मंत्री हैं, विधायक हैं, वो सब इस नई व्यवस्था को ले लें और अपनी पुरानी पेंशन छोड़ दें, लेकिन वो अपने लिए पुरानी पेंशन चाहते हैं और शिक्षक और कर्मचारियों के लिए एनपीएस चाहते हैं। यहाँ तक कि देश पर जो बॉर्डर पर हमारे जवान इस देश की रक्षा करते हैं, उनके लिए भी उन्होंने ओपीएस ना देके एनपीएस दी है। तो ये भारी विडंबना है कि जहाँ ये लोग एक देश एक चुनाव की बात करते हैं, एक देश एक पेंशन की बात क्यों नहीं करते। कुमार शर्मा, मंडलीय अध्यक्ष, मुरादाबाद मंडल। आज का ये धरना प्रदेशीय नेतृत्व के आह्वान पर
यहाँ पर आयोजित है और प्रदेश के प्रत्येक मंडल में ये धरना चल रहा है। और कल ये धरना आपके मेरठ, सहारनपुर में हुआ, आज आपके ये मुरादाबाद में है और आगरा में चल रहा है और आगे सभी मंडलों में ये चल रहा है। और हमारे प्रदेशीय अध्यक्ष माननीय श्री सुरेश त्रिपाठी जी, पूर्व MLC और माननीय नेता शिक्षक दल श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी MLC तथा महामंत्री श्री वर्मा जी और पूर्व महामंत्री, ये सभी धरनों पर पहुंच रहे हैं और धरनों को संबोधित कर रहे हैं। साथ ही इनके प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश शर्मा जी भी शिक्षकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनका पूरा सहयोग कर रहे हैं। और हमारी सरकार से यही मांग है कि शिक्षकों की पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए और चिकित्सा सुविधा जैसे कि तमाम अन्य विभागों को प्रदान की जाती है, राजकीय कर्मचारियों को दी जा रही है, वैसे ही शिक्षकों को भी उपलब्ध कराई जाए। और सभी हमारी जो मांगे हैं वो पूरी होनी चाहिए। सरकार आश्वासन तो देती है किंतु पूरा किसी को नहीं करती, इसलिए सरकार से ये अनुरोध है कि वो केवल मांगों को पूरा ना कर, केवल आश्वासन ना दे बल्कि मांगों को पूरा करने की दिशा में कदम उठाए, तो शिक्षक समुदाय उनका स्वागत करेगा।